हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने गीदड़ का नाम सुना होगा, हाइनास। ये देखिए, ये पूरा जंगल जैसा इलाका है, हालांकि जंगल नहीं है, ये निजी प्रॉपर्टी है, लोगों ने पेड़ पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ ना एक प्रजाति पाई जाती है जिसे गीदड़ कहते हैं। मैं इंग्लिश में कहूँ तो हाइनास कहते हैं उसे, और भी कई लकड़बग्घा भी शायद कह सकते हैं। कुत्ते की प्रजाति की होती है लगभग, लेकिन ये बहुत खूंखार होती है और पूरी तरह से मांस पे डिपेंड करती है। इस इलाके में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ से थोड़ी दूर पे मेरा घर है। रात में मेरी बिल्ली, मेरी एक बिल्ली है, मैं उसे भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप ज़्यादा कमेंट में कहते हैं कि आप अपनी बिल्ली दिखाओ, तो मैं उसे भी दिखाऊंगा। तो मेरी बिल्ली रात में खूब मतलब घुर्रा रही थी, और खूब मतलब ऐसा लग रहा था वो किसी से फाइट कर रही है। तो मुझे लगा कि आजू बाजू का कहीं बिल्ला एक था, वो बिल्ला आ गया होगा। तो मैं उठा, और उठने के बाद मैंने मतलब देखा कि बाउंड्री के दूसरी तरफ बांस की बाउंड्री है। बांस की बाउंड्री के एक तरफ मेरी बिल्ली और दूसरी तरफ गिदड़, दोनों एक दूसरे पर गुर्रा रहे हैं। क्योंकि हमारी बिल्ली बहुत कम जगह से जा सकती है, तो एक छोटा सा सुराख है, उसी से वो आती जाती है। उसका एक स्पेशल डोर है। हम लोग नॉर्मली जिस दरवाजे से आते जाते हैं, उधर से भी आती है, लेकिन मेरी बिल्ली का एक स्पेशल डोर है। वो घर से निकलने के लिए उस डोर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो उसी मतलब रास्ते पे, उसी रास्ते पे एक मैंने आम का पौधा लगाया हुआ है, और उस आम के पौधे के पास कहते हैं कि एक गीदड़ मतलब वो खोद रहा था। अब गीदड़ खोदते क्यों है, और वो जगह को मैंने फिर बाद में हम लोगों की नजर पड़ गई तो हमने उसे बंद कर दिया। बहरहाल, गीदड़ खोदते क्यों है और गीदड़ ऐसा क्यों करते हैं, गीदड़ मतलब जमीन को क्यों खोदते हैं, तो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। सबसे पहले वो मैं बताने के लिए कि गीदड़ जमीन को क्यों खोदते हैं, तो उससे पहले मैं ये दिखाऊंगा। ये देखें, ये जगह है, आपको ये दिख रहा है, ये जगह गीदर ने खोदा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गीदर ने इसे खोदा क्यों है। सिंपल सी बात है, गीदर ने इस जगह को इसलिए खोदा है दोस्तों। मैं आपको ठीक से कैमरा और ये दोनों को सेट करता हूं, ताकि मैं भी आ जाऊं और ये भी आ जाए। बहरहाल, हम दोनों नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूं। ये गीदर इसे इसलिए खोदते हैं ताकि वो ठंडी में इसमें मतलब वक्त गुजार सके, यानी कि ठंड से बच सके। इस इलाके में रात के मौसम में मतलब 6 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे डाउन हो जाता है, और दिन में थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन रात में सुबह के टाइम तक 6 डिग्री 5 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और उस ठंड से बचने के लिए गीदर इस तरह का एक मतलब गड्ढा खोद देते हैं, जिसमें वो रात में जा करके छिप जाते हैं, रात में जा करके छिप जाते हैं, और मतलब दिन को वो बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि रात में इस इलाके में ठंड बहुत ज्यादा होती है, और उसे ठंड से बचने के लिए जानवर भी अपनी तरह से कई उपाय करते हैं। दोस्तों, मैं और भी गीदर का बहुत सारा इस जगह पे, तो ये मेन जगह पे है, रास्ते पे है, आप देख सकते हैं ये एक रास्ता है यहाँ पे है। इसलिए गीदर इसको खोदा तो, लेकिन सुबह सवेरे इधर लोग बाथरूम करने आ जाते हैं, और उस वजह से गीदर को जल्दी ही डिस्टर्ब होना पड़ा। गीदर जल्दी ही समझ गया कि ये जगह उसके लिए अनसेफ है, और इसलिए वो अब इस इलाके में कहीं ना कहीं गीदड़ ने मतलब दूसरा जगह खोदा होगा जिसमें वो छिप करके ठंड से रह सके। बहरहाल, रात को बहुत ही डरावनी आवाज आती है उसकी, और इतनी डरावनी होती है कि आप उसे जब सुनेंगे तो यकीनन आपको बहुत डर लगेगा। और उस डरावनी आवाज को हम लोग हमेशा लगभग सुनते हैं यहाँ पे है। और गाँव में रहने का एक तो अपना ही आनंद है, मतलब आप नेचुरल चीजों से एकदम जुड़ जाते हैं। तो मैं इस जगह पे और भी मतलब चीजें खोजने की कोशिश करता हूँ, और आपको इस इलाके को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ मैं, और ज्यादा से ज्यादा इस इलाके की बारीकियां आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा ये मकसद है कि मैं इस वक्त अगर बिहार में हूँ, तो बिहार से सभी को रूबरू कराऊं, और आप लोगों को भी बिहार का फुल आनंद दूं, पूरी तरह से मजा दूं। बहरहाल, मैं जा रहा हूँ गीदर की मतलब बड़ी जगह खोजने, जहाँ वो घर बना करके रहता है। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा, मैं खोज जारी रखूँगा,
और जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आप मेरा हौसला बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये वीडियो आपने देखा इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।